दोस्तों फरीदाबाद से लाइव हूँ। देख सकते हैं एक ट्रक खड़ी है, ओवरलोडिंग ट्रक है, राख से भरी हुई, और पूरे फरीदाबाद में प्रदूषण फैल रहा है, जोरदार प्रदूषण फैल रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और ऐसे ओवरलोडिंग डंपर जा रहे हैं, देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ओवरलोडिंग डंपर जा रहे हैं, इतनी राख भरी है, कितने फीट तक भरी है ये देखें। इसलिए शहर में धूल धूल धुआं धुआं हो रहा है, ये राख है, चारों तरफ राख ही राख है जो है, ये देखें। अभी बताते हैं क्या खास, आप समझ जाएं कि शहर में प्रदूषण क्यों फैल रहा है। ये देखें पीछे से दिखाते हैं, डंपर का नंबर HR 38 T 0516। ये देखें इधर राख देखें, इधर राख देखें। अभी तमाम लोग पहुंच रहे हैं, शायद सैनिक कॉलोनी के लोग हैं, जिनका कहना है कि हमारा जीना हो गया है दूभर इस राख के कारण, हमारे घरों पर कई कई इंच राख जम जा रही है। ये देखें आ रहे हैं लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, ये देखें, और ये राख का डंपर देखें, तमाम डंपर निकलते हैं, यही वो राख है। ये देखें अब स्थानीय लोग पहुंचे जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। बनाना साहब, आप तो क्रेशर जोन के अध्यक्ष के, क्या इतना ओवरलोडिंग डंपर चलता है शहर में? आप वहीं से बताइए ये क्या हो रहा है, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखें काफी, ये फिर बता दें ये ट्रक है ओवरलोडिंग ट्रक डंपर, जैसा कि कहा जाता है हरियाणा में ओवरलोडिंग और ग्रेप लागू हुआ है यहाँ, ये भी बता दें ग्रेप लागू हुआ है। प्रदर्शन किया था कि यहाँ पर बिना मतलब चलान काटे जाते हैं जो बटर साहब, क्या देख रहे हैं हम आप इस टाइम जो है इतना ओवरलोडिंग डंपर क्यों? NGT के आदेश अनुसार पूरे NCR में कंस्ट्रक्शन, खुदाई का काम, क्रेशर, चिनाई सब कुछ बंद है, क्योंकि पूरे NCR में जो पोल्यूशन हवा बंद होने से दम घुटने की जो बीमारी चल रही है उसको लेकर के सभी दिल्ली ने, हरियाणा ने, यूपी के स्थानीय लगते हुए क्षेत्रों में पूरी तरह से सारे कार्यों पर, निर्माणों पर बंद कर दिया। और यहां पर ये बहुत नजदीक से फरीदाबाद में ओवरलोडिंग, अनऑथराइज खुदाई, यहां से मैंने पहले भी बताया था 30 लाख रुपया डेली एक आदमी लेके जाता है, एक आदमी लेके जाता है, कौन सा ऐसा आदमी है? जब यहां पर खुदाई बंद है, सब कुछ बंद है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने सामने देख रहे हो ओवरलोड, ये यहां पर स्थानीय निवासी सैनिक कॉलोनी के, सैनिक कॉलोनी नीचे है, इनके घरों पर इतनी इतनी काली राख जम जाती है, कारों पर बच्चे बीमार हैं, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है, मगर जब इनसे पूछते हैं तो ये कहते हैं जी ये काली राख को हमने यहाँ के प्रशासन को, शासन को इतना खिला दिया है कि वो हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। अच्छा, कल मेरी एक पोल्यूशन के अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मुझे पता नहीं है कि इसकी खुदाई बंद है या चालू है। कौन से अधिकारी थे, उनको ये पता ही नहीं है? पता ही नहीं है। कौन मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था स्थानीय पुलिस अधिकारी पाली चौकी इंचार्ज इतना इन पर मेहरबान क्यों है, जब वो पाली चौकी से अंदर कृषि जोन में खाली गाड़ियों को भी नहीं जाने देता है, तो इन ओवरलोड डंपरों को वो पाली चौकी के सामने दिल्ली में जा रहे हैं क्यों निकलने देता है? ऐसी क्या वजह है? क्या किसी प्रशासन ने इतना पैसा खा लिया है, या यहाँ के स्थानीय विधायक NIT और बड़कल के विधायक ने पैसा खा लिया है जो इतना बड़ा खेल यहाँ हो रहा है, और ये बच्चों की बीमार कर रहा है, यहाँ के सैनिक कॉलोनी के नवादा, भागरी और एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर तक के सारे फरीदाबाद में इसकी धूल जाती है और ये राखी जम जाती है, इसके इतने बारीक कण हैं कि ये लोगों को बीमार करते हैं, और यहीं से लेकर के और आप अणखीर गोल चक्कर कहीं भी जाकर के देख लो कि इसमें कितनी धूल उठी, आप देखो उड़ रही है, उड़ रही और जगह जगह पानी, आज इन्होंने पानी छिड़क रखा, जब उनको पता चल गया कि यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, ये देखें हल्की हल्की हवा में उड़ रहा है,
धूल उड़ती है पूरी जगह। ये यहाँ पर रात को आकर देखो पूरी रात नंगा नाच होता है। रात को आज मैंने आप लोगों को वीडियो भेजे हैं, इनकी फोटो भेजी है। हाँ, आपने कुछ तस्वीर भेजी है रात की जो है। पास आए स्थानीय लोगों ने, सड़कों पर चल रही थी उसमें जो सैनिक कॉलोनी के सभी निवासी है, जगत भाई है, राजेंद्र भाई है, सभी लोग देख लो कि इन लोगों का ये आरोप है कि इन लोग सैनिक कॉलोनी में लोग इस राखी से बीमार हो रहे हैं। सर क्या कहेंगे आप, कॉलोनी में रहते हैं? जगत भाई बता। इस कॉलोनी के अभी प्रेजेंट में आप देखो कि ये ट्रक ओवरलोड भरा हुआ। हाँ, देख रहे हैं। और इसने रात को तो बहुत बुरा हाल है कि 22 टायरे ट्रक भरते हैं, बड़े बड़े ट्रक। हाँ। और उनमें ना सूखी राखी होती है। हाँ। वो इनके बीच में जो डाले के बीच में गैप होता है तो उससे ना वो पुराने ट्रक है वो बिखरता बिखरता सारे शहर के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है सेंटर पॉइंट जहाँ से ये लोडिंग हो रही है शहर के बीचों बीच है। अगर आप गुड़गावा की तरफ जाए तो और फरीदाबाद के मेन पॉइंट पे यहाँ से ट्रक गुजरते हैं नीचे बड़कल पे सैनिक कॉलोनी होते हैं। पूरे शहर को ये इतना पोल्यूटेड कर रहे हैं कि लोग सोच भी नहीं सकते। अभी क्या मेरे बुजुर्ग जैसे मेरे फादर जो है कल से 3 दिन से बीमार है, अभी उनको चेक कराया तो उनको बलगम में ना ये राखी आती है जैसे थूकते, क्योंकि हमारा घर इसी सैनिक कॉलोनी के अंदर है। अच्छा अच्छा। और अभी हालत ये है कि उनको 3 दिन से हम लोग टेस्ट करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं टीवी नहीं होगी, लेकिन हमें तो पता है ना कि राखी की वजह से काली बलगम उनको आ रही है। और उसी वजह से मेरा नाम जगत है और मैं सैनिक कॉलोनी रहता हूँ ये, और सारे हमारे भाई ये राजू अरोड़ा जी वगैरह सारे अरोड़ा जी सैनिक कॉलोनी वासी है। आज तो हम चंद लोग, इनको दो बार हमने पहले भी बताया, अभी तो हम चंद लोग आए।